आशिक बनाया आपने। तो आज जिसने आपको आशिक बनाया है वो मेरे साथ है, मेरे साथ हेट स्टोरी 4 की स्टार कास्ट है, मेरे साथ है बेहद खूबसूरत उर्वशी रौतेला एंड डायरेक्टर विशाल पांड्या। आप लोग का बहुत स्वागत है लोकमत न्यूज में। तो पहला मेरा सवाल है, बहुत स्वागत है आपका लोकमत न्यूज में, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो मेरा पहला सवाल विशाल जी से, ये नफरतों का सिलसिला कब तक चलेगा? हे स्टोरी 2, 3, 4 जब तक प्रोड्यूसर देता रहेगा मूवी तक तो हम करते रहेंगे। एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉमेडी, हमारा कुछ कॉमेडी थिंग, हमारा कुछ एक बहुत कॉमेडी इंसिडेंट है जो हम दोनों के बीच में, हमको पता है हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इट्स लाइक प्रॉफिटेबल वाली बातें सुनते हैं, लेने का देने का नहीं, प्रॉफिटेबल बातें सुनते तो हम ये करते हैं। या मुझे ये फिल्म के बारे में कुछ बताइए सर। फिल्म के बारे में क्या बताऊं, कर दी शूटिंग हो गई। हेट स्टोरी 4 में मुझे क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे बॉक्स ऑफिस नहीं चाहिए। जी मुझे सिर्फ बॉक्स ऑफिस चाहिए। अच्छा एनी वे सभी ऐसा लग रहा है उनके मुंह से, मुझे लग रहा है गुस्सा आ रहा है उनको। नहीं बिल्कुल, क्या चल रहा है बस सड़े फट करके। हेट स्टोरी के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि इट्स इंस्पायर्ड बाई 2 इवेंट्स एंड 8th को वुमेंस डे है, तो आई होप 8th एक्चुअली फ्राइडे होता तो सबके लिए ये गिफ्ट हो जाती हेट स्टोरी 4, बिकॉज When you see the film, आप लोग को समझेगा मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ। एंड इट्स एक छोटा सा मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, इट्स बेस्ड ऑन ईव टीजिंग जो इंडिया में हर सिटी में एवरी डे हो रहा है। सो इट्स बेस्ड ऑन दैट, इंस्पायर बाई 2 इवेंट्स, जो एक ईव टीजिंग ऐसी हुई थी उसको हम लोगों ने लेके इंस्पायर होकर हम लोगों ने ये हेट स्टोरी 4 बनाई है। उर्वशी, ताशा ने ऑलरेडी सबको दीवाना कर दिया, आशिक बना ही दिया, तो ताशा के बारे में कुछ बताइए। ताशा एक सुपर मॉडल कैरेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सुपर मॉडल का, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, फियर्सलेस है, बट एट द सेम टाइम बहुत वल्नरेबल और हेल्पलेस भी है। सो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए प्ले करना ताशा। हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि आप बहुत बेहतरीन डांस करती है, दिल से डांस करती है, आपको कई डांस फॉर्म्स आते हैं, लेकिन खास आशिक बनाया आपने गाने के लिए, आपने हील कोरियोग्राफी सीखी है, कुछ बताए उसके बारे में। अच्छी, उसके बारे में ये कि वो हील्स से होती है और बहुत ही डिफिकल्ट कोरियोग्राफी होती है, यू हैव टू मेंटेन योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस, तो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि सभी को पसंद आया। और डायरेक्टर के साथ भी हील और बैकिंग कोरियोग्राफी होती है जो वो प्रोड्यूसर करते हैं। कभी मूवी ना चली फ्राइडे को तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अपने कैबिन में बुलाते हैं और हील से भी वो कोरियोग्राफी करते हैं और वैकिंग से भी करते हैं। तो ये हमारे दर्शकों को बहुत अनोखी बात आती है। हाँ बिल्कुल। हेट स्टोरी 4 में जब आप फिल्म के बारे में सोच रहे थे तो उर्वशी रौतेला ही क्यों ताशा के किरदार के लिए? क्योंकि हम लोग ने उनको ही पूछा, उन्होंने हाँ बोल दी, तो फिर दूसरे का मौका ही नहीं मिला। अच्छे नहीं, एक्चुअली रोट द स्क्रिप्ट एंड सबसे पहला कि इतने सारे जो शेड्स है वो ऐसी कौन लड़की है जो निभा सकते हैं, तो हमको सबसे पहला चेहरा जो नज़र आया वो है उर्वशी का, तो हम उनके पास गए। और इसमें सिर्फ ऑफकोर्स जो हम ट्रेलर में आप देख रहे हो, बट इट्स नॉट ओनली गेटिंग अ ब्यूटीफुल फेस, बट ऑल्सो हम लोग को जो डिफरेंट शेड्स चाहिए थे, वनरेबल फेस चाहिए था, ब्यूटीफुल फेस चाहिए था, ग्लैमरस फेस चाहिए था, वो सब एक में, वो एक पैकेज इस इनमें है। तो आपने मूवी देखी हेट स्टोरी 4? अभी नहीं। तो कैसे एग्री किया? खूबसूरती से मैंने बोला खूबसूरती पाया। अच्छा अच्छा उर्वशी, आपने बेहद, आपका डांस देख के तो हम सभी दीवाने और आशिक बन चुके, थोड़ा गाना भी सुना दीजिए हमें। आशिक बनाया आपने, आप अच्छा गाती हैं, आप गाइए, आपको थोड़ा सा गाना। नहीं नहीं, आप गाइए, नहीं थोड़ा सा चुरे खट्टे गाते। बिल्कुल, पहले आप शुरू कीजिए। मेरे बिन सोनी है दिल की राहें, ओहो मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, मेरे बिन सोनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो बिन बोले भर के वो आए सुनिए। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। तो एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए कि वो 9 मार्च को हेट स्टोरी 4 देखने जरूर जाए। नहीं कोई रीजन ही नहीं जाने का, मतलब इंटरव्यू अच्छा दिया, ट्रेलर अच्छा बनाया, गाना अच्छा है, मूवी बहुत अच्छी है। 8th को वुमेंस डे, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाइए, मम्मी को लेके जाइए, और ये मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो माइंड में ऐसा प्लीज कुछ मत रखना कि हम लोग जाए ना जाए, प्लीज यू कैन गो एंड वॉच हेट स्टोरी 4 विद योर फैमिली प्राउडली। थैंक यू।
इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ कम्प्लीटली यू नो मसाला फिल्म, अ कमर्शियल फिल्म, मोर देन पैसा वसूल, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं, कोई और फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, तो आप देखिए इट्स स्टोरी फोर इकलौता ऑप्शन है, आपको देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके दिखाए। तो 9 मार्च को बिल्कुल ना भूले उर्वशी को देखने, उर्वशी रौतेला आ रही है आपको आशिक बनाने। मेरे सहयोगी योगेश के साथ प्रतीक्षा कुकरेती, लोकमत न्यूज़.in।